एक मिनट सर, मुझे एजुकेशन की जो डिग्री है उसमें कोई ठीक है। हम मैं बी एस ऑनर्स का हूँ, जब मैं आइंदा एंट्री के लिए यहाँ आऊँगा तो मुझे किस फील्ड में रखा जाएगा? साइंस एजुकेशन भी है और एमएससी केमिस्ट्री, आपके बीएस से एक दफा एमएससी केमिस्ट्री में दाखिल हुए और मजे की बात है कि मैं खुद बीएस से और हमारे यहाँ इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 8 बीएस से काम कर रहे हैं। कितने? 8। केमिस्ट्री में 2 बंदे काम कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में काम कर रहे हैं, इस तरह से हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। बीएस की डिग्री सुनिए दोबारा सुने, ये बात भी बड़ी अकल क्या है, ये बात रोज सुने तो उन्होंने अच्छा नुकता उठा रखा। सुन लीजिए कि अगर आपने बनना हो एजुकेशन का लेक्चर तो किसी और एमए की जरूरत नहीं, सारे दोनों इकट्ठे हो नहीं। किसी कॉलेज में बनना हो, किसी यूनिवर्सिटी में बनना हो, किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनना हो, क्या बनना हो? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। किसी और एमए की जरूरत नहीं, सादा बात है। जो ये कहता है कि और एमए करे तो फिर बेचारा समझता नहीं। अब अगर आपने बनना है अंग्रेजी का टीचर, फिर बेटा एमए अंग्रेजी करेंगे, इसके साथ तो आप अंग्रेजी के टीचर बनेंगे, सादा सी बात है। अगर आप बनना चाहते हैं उर्दू के टीचर तो फिर आप एमए उर्दू करेंगे तो उर्दू के टीचर बनेंगे। अगर आप बनना चाहते हैं केमिस्ट्री के टीचर तो एमएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री करेंगे तो बनेंगे, उसके बगैर तो सोचना भी नहीं चाहिए। ये जो हम 4 साल में करना है हमें, तो ये बेटा एमए एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एजुकेशन है। आप लोग साइंस एजुकेशन में करते हैं, बिजनेस वाले बिजनेस में करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन वाले उनको केंद्र किसी और जल्दी करेंगे, हमें निकलना है। अगर बात सर, आपने एक फर्स्ट ऑफ ऑल बात की है कि पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसका जो टीचर वैल्यू वो टॉप सबसे बड़ा है। सर आप ये बताएं कि एनएससी में पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या रैंक है, अगर एनएससी ऊपर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे पंजाब यूनिवर्सिटी का क्या रैंक है? पंजाब यूनिवर्सिटी पिछले 10 सालों से रैंकिंग में पाकिस्तान में या नंबर 1 होती है या नंबर 2 कभी कभी आती है। नहीं है, ये सवाल किया क्या रैंकिंग है, मैंने रैंकिंग बता दी। एशिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो टॉप 300 में मौजूद है। क्या है? टॉप 300 में मौजूद है वो। अगर तो आपको अपनी रैंकिंग पे भाई सब शक है तो मैंने आपको बता दिया। वैसे आपको चाहिए पता क्या कर, ये सवाल है एमए का स्टूडेंट नेट पे जाए और पाकिस्तान में रैंकिंग यूनिवर्सिटियों में मेरा बेटा देख ले और उसके बाद उसको खुद ही पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। सर आईआर पंजाब यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा ही है। सर ये सच का इंस्टीट्यूशन है, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ कितने स्टूडेंटों ने कितनी रिसर्च की है, कोई एक स्टूडेंट ये बता दे कि मेरे रिसर्च पेपर जनरल जो होता है मैगजीन में पब्लिश हुआ या कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ, ये भी बता देता बेटा। सुन ले,
भाई आप पाकिस्तान का वाहद इंस्टीट्यूट है। कौन सा? वाहद। हर बोल रहे अंग्रेजी को कह रहे क्या होती है? जनरल सिर्फ पाकिस्तान में अकेला आई आर है जिसके दो जनरल इकट्ठे छपते। पूरे पाकिस्तान में कोई और इदारा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में टोटल 7 जनरल है जिनमें से आई आर के कितने दो। एक तो पहले तो इसके लिए आप अंदाजा करें कि कहाँ पर करें। दूसरी बात, अगर आप कोई काम नहीं करते तो वो आपको पता होगा। अभी हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई उसकी बेटा प्रोसीडिंग देखे, आईआर के 70 स्टूडेंट थे। कितने? 70 स्टूडेंट्स ने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया है। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की जितनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती है कोई एक कॉन्फ्रेंस भी ऐसी नहीं होती जिसमें आईआर के स्टूडेंट एमए के स्टूडेंट भी वहां पर ना हो। मेरा मसला असल में पता है हर चीज है अपने मिजाज का। जो बंदे यहाँ पढ़ने आते हैं वो क्या करते हैं? पढ़ के जाते हैं। और जिन्होंने यहाँ अपनी किस्मत के साथ रहना है, उस्ताद हुई है, लाइब्रेरी हुई है, टीचर हुई है, मेहनत हुई है बेटा, इसलिए कई दफा बंदे को लगता है जैसे कि हम कुछ हो। आई आर ने जितना कंट्रीब्यूट किया है गवर्नमेंट की सतह पर रिसर्च, अभी इस साल हमने अपनी रिसर्च की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अगर यहाँ पर बच्चे नहीं बैठे हुए, मेरे पास वो प्रोजेक्ट था 10 बच्चे एम फिल के। कितने? 10 बच्चे मेरे साथ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर क्या कर रहे काम कर रहे जिन्होंने 20,000 रुपया महीने पे 4 महीने मेरे साथ काम किया। और फिर उन्होंने पीएडीए के चक्कर में इससे कहीं ज्यादा कमाए। पूरे पंजाब को उन्होंने विजिट किया। बेटा काम काम मुसलसल हो रहा होता है। आप लोग अगर सोए ना हो, जाके अपने बड़ों से मिले, लेकिन जो सवाल आज आप कर रहे हैं तो बतौर डायरेक्टर मैं डायरेक्टर ऑफिस बैठा होता हूँ, बल्कि मैं तो फिरता रहता हूँ, कभी बाहर खड़ा होता हूँ, कभी उधर, कभी आए मेरे पास, मुझे आकर कहें सर आपसे फिर आप लोग पता चले, फिर मुझसे सवाल करें, मुझसे आपसे मैं जवाब ना दूं, फिर जाकर कहें। अब ये दिमाग में अगर बंदा काम लेके सोचे लेके, मैंने सुबह बड़ी मिसाल हमारे देहातों में क्या कहते हैं, कोई आपको कहें कान लग गया तो आप सत्ते के पीछे मारना शुरू कर दे, दोनों कानों को चेक ना करिए, ये बड़ी खतरनाक अगर दोनों साथ हो तो समझे किसने कहा। आपको जरूर मिले, मैं आपको आपके पता होना चाहिए नोटिस बोर्ड भी आपने पढ़ते इस वक्त नोटिस बोर्ड 4 खत्म हो गया था तो फिर हम क्या कहेंगे ये सेमिनार में। यहाँ बैठे जूता पहना जूता का जूता शकीना का जूता फातमा का जूता तो सारे क्या है क्या सारे जूते बराबर हो सकते हैं? बेटा किसी की कीमत ज्यादा होगी, किसी का रंग और होगा, किसी का डिजाइन है। आप तो बार बार कहते हैं आप पूरी तरह एमए है, कोई दुनिया का बंदा इसको एफ ए बी ए नहीं मानता। क्या मानते हैं? प्रॉब्लम वहाँ आता है जब आप कहें कि एक जूता है 5,000 का, आप कहें कि मेरे जूते का रंग पीला है उसका नीला है, दोनों बराबर माने तो पीला और नीला बराबर नहीं। नीला जूता होगा, पीला जूता होगा। एम एजुकेशन, एम एजुकेशन, एम ए हिस्ट्री, एम ए हिस्ट्री, एम ए उर्दू, एम ए उर्दू है।
बेटा जहाँ आप यूनिवर्सिटी में 16 साल हमारी तरफ से वो मास्टर है, कोई दुनिया का बंदा उसको बातें कर सकते हैं ना। तो प्लीज इस बात से निकल जाए और दूसरों को भी प्लीज ये बताए ये दो तीन दिन से मैं सुन लूँ बताएंगे हम अमेरिका की इस बात में लगे हुए हैं कि हमारे तो सीधा कहाँ जाए ताकि वहाँ ऐसे मैंने कहा लगे हुए हैं चुप करके अगर